रुको यार, रुको रुको रुको, इस बार पूरा गया शायद, दिखाइए। ऑटो मत यार प्लीज प्लीज। ओए जहाँ काटा था वहाँ फिर से। रुको हाँ आ जाओ, ठीक है जो नीचे आएगा उसको मिलेगा। एक्चुअली ये जो ट्रे है इस ट्रे में डबल खाना देना पड़ेगा, एक अफ्रीकन ग्रे के लिए है, एक पेयर अफ्रीकन ग्रे के लिए। इतना ज़्यादा खाना हम लोग दे रहे हैं क्योंकि चाबी कहाँ गया, हाँ एक पेयर अफ्रीकन ग्रे के लिए इतना ज़्यादा खाना क्योंकि इनका अंदर छोटा छोटा बेबी है, छोटा छोटा बेबी है और वो शायद हैंड फीडिंग के लायक हो गया है। आज हैंड फीडिंग में ले लेंगे, लेकिन उससे पहले सारे बार्ड्स को लगा दो, सारे बार्ड्स को खाना सर्व कर देंगे। उसके बाद ये जो केज है अफ्रीकन ग्रे का, यहाँ 1 2 3 मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने आवाज़ सुना बाहर से कि हाँ बेबी हुआ है, लेकिन कितना बेबी हुआ है वो तो पता नहीं। जाएंगे और चेक करेंगे और देखेंगे, पकड़ो और देखेंगे। अगर हैंड फीडिंग में लेने का लायक हो गया है तो हैंड फीडिंग में भी ले लेंगे। थोड़ा ज़्यादा खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, जो सारा बेबीज़ है पेरेंट्स सही से फीड करा नहीं पाएगा। अगर 2 बेबी होगा 3 बेबी होगा तो पूरे दिन के लिए जो फ्रूट बहुत ज़्यादा करके उन लोगों को देना पड़ेगा, तभी जाके पेरेंट्स खुद खाएगा, उसके बाद पेट भर के सारे बेबीज़ को खिला पाएगा। चलो यहाँ डाल दिया, चलो चलो हाँ आ जाओ। यहाँ ऊपर भी एक देना पड़ता है क्योंकि ये दोनों जो लॉरी किड है ये दोनों यहाँ खाते हैं, इन लोगों के लिए यहाँ देना पड़ता है। एक्चुअली लॉरी किड के लिए तो मतलब अलग खाना, मतलब लिक्विड फॉर्मेट में खाना देना पड़ता है, लेकिन ये जो 2 चैटरिंग लॉरी है ये लोग एकदम पूरा के पूरा सब कुछ खाता है। सारे लॉरीज वहाँ चला गया। और ये जो 2 लॉरी किड है ये लोग क्या करते हैं कि पेट भर के एप्पल खा लेते हैं, जो एप्पल दिया जाता है वो पूरा के पूरा खा लेते हैं। और जो खाना हम लोग हर दिन देते हैं सारे बर्ड्स का, अलग अलग केज में हो या एवियरी के अंदर हो, सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग में पहले पानी डाल देते हैं। एक्चुअली शाम के टाइम तो हम लोग सारे खाने का ट्रे और पानी का बर्तन पूरा निकाल लेते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। और सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग में 6-7 बजे क्या हुआ माइकिल, माइकिल चलो चलो चलो, 6-7 बजे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पानी दे देते हैं, उसके बाद खाना तैयार करके ऐसे करके अलग अलग केज में अलग अलग प्लेस में ऐसे सर्व कर देते हैं। चलो आ जाओ। और दोपहर के टाइम हम लोग एक फ्रूट देते हैं, सुबह के टाइम ऐसे अलग अलग टाइप का फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अंदर जैसे कैरेट है, गन्ना है, एप्पल है, बीन्स है, गुआवा है, मतलब ऐसे अलग अलग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिया जाता है। और दोपहर के बाद तो मिक्स सीड्स जैसे हर एक वीडियोज़ में मैं कहता रहता हूँ, लेकिन दोपहर में एक फूड दिया जाता है। एक फूड मतलब जिसका मेन कंटेंट रहता है अंडा, अंडे को बॉईल करके ऐसे ग्रेट करके देते हैं, उसके साथ कैरेट गाजर को भी ग्रेट करके देते हैं, और उसके साथ कभी कभी ब्रोकोली, कैप्सिकम, और जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा बंगाली में तो हम लोग चूड़ा कहते हैं, मतलब उसको पानी में पहले चूड़े को पानी में ऐसे डाल के एक बार हल्का सा धो के, हल्का गुनगुना गर्म पानी से धो के रख दिया, उसके बाद बॉयल अंडा को ऐसे ग्रेट किया, उसके बाद कैरेट गाजर को ग्रेट किया, और उसी के साथ मतलब ब्रोकोली, कैप्सिकम, धनिया का जो पत्ता होता है, कोरिएंडर लीव्स जो होता है, वो ऐसे ग्रेट करके एक साथ मिक्स करते हैं। उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स जैसे मोरिंगा पाउडर, एक्सेल डस्ट, कैटरकोन पाउडर वगैरह मिक्स करके दोपहर में वो दिया जाता है। और दोपहर के बाद मिक्स सीड्स दिया जाता है। और उसी के साथ सुबह के टाइम, हाँ ये लॉरी किड्स के लिए है, लॉरी किड्स के लिए है, लॉरी किड्स के लिए तो अलग मतलब खोलिए, लॉरी किड्स के लिए तो अलग खाना आता है, मतलब लॉरी फूड मिलता है, वो ऐसे लिक्विड बना के हम लोगों को देना पड़ता है। फिलहाल वो ख़त्म हो गया। इसी के लिए नेस्टम ह्यूमन बेबी फूड, नेस्टम, हाँ नेस्टम, और उसके साथ ऐसे हनी, बस ये एकदम शुद्ध हनी है, एकदम जंगल से कलेक्ट किया हुआ शुद्ध हनी है। कमेंट्स करके बताइए पैरट दीपंकर स्टोर में ऐसे शुद्ध हनी मतलब सेल के लिए रखना चाहिए कि नहीं, हम लोग खुद खाने के लिए। एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, क्योंकि एकदम हम लोगों का जान पहचान वाला लोग जंगल में जाते हैं, वही लोग वहाँ से ऐसे बड़े बड़े जो चाक होता है वहाँ से ऐसे। रुको 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 रुको, सडनली कभी कभी ऐसे होता है। यहाँ सारे ट्रे गिरा दिया, इसके डर के कारण सारे बार से एक साथ फ्लाई लगा लिया। तो जो कह रहा था जंगल से एकदम शुद्ध हानी ऐसे, क्योंकि हम लोगों का जान पहचान वाला लोग है, वो सब लोग जाते हैं। हनी बीज का जो मतलब नेस्ट होता है, जो मऊचाक बोलते हैं, मऊचाक होता है, वहाँ से तोड़ के ये हनी कलेक्ट किया जाता है। और आप लोगों का क्या राय है, पैरट दीपंकर स्टोर में ऐसे छोटा छोटा बटल बना के सेल के लिए रखना चाहिए या नहीं? सच में बहुत अच्छा टेस्ट है। और थोड़ा सा लेते हैं, ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो लॉरी किड्स के लिए ऐसे जो करना पड़ता है नेस्टम के साथ, अगर आपको लॉरी फूड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नेस्टम के साथ ऐसे हानी मिक्स करके देना चाहिए होता है। चलो आ जाओ, और मिक्स करके यहाँ ही रख देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये उन लोगों का जगह है, यहाँ दूसरा कोई बाज नहीं आते हैं। वो लोग देखिए अभी नीचे आएगा, लॉरी फूड हो या नेस्टम और हानी हो, पूरा खा लेगा पेट भर के। हाँ, सनकॉनियर का एक ब्रीडिंग पेयर है, और बाकी इन लोगों के लिए यहाँ एक देना पड़ता है। हाँ चलो ले लो, ये इक्लेक्टस का जगह है। एक्चुअली अलग अलग बर्ड का अलग अलग स्पेस में देना पड़ता है। यहाँ दो मोलक्कन कोकाटू आके खाता है, मतलब ये लोग अपना अपना जगह बना लिया, एक दूसरे का जगह में नहीं जा सकते, इसी के लिए अलग अलग ट्रे। यहाँ सारे इक्लेक्टस आता है और खाता है, वहाँ दो मोलक्कन कोकाटू, वहाँ लॉरी किड्स, और बाकी तो यहाँ बाकी सारे बर्ड चले आते हैं। और वहाँ उस साइड में कोने में एक ट्रे दिया जाता है, जहाँ इक्लेक्टस का 3 फीमेल आराम से बैठ के खाती है, और बाकी तो सेपरेट सारे केजेस है। ऊपर कुछ ब्रीडिंग पेयर्स रखा हुआ है, उन लोगों को तो अलग से दे देते हैं। और उसी के साथ हर दिन ऐसे हैंड फीडिंग फॉर्मूला, भेटा फार्म का न्यू केयर हो, न्यूट्री केयर हो, ऐसे हैंड फीडिंग फॉर्मूला देना पड़ता है, क्योंकि एवियरी का कुछ बर्ड्स है जो लोग बड़ा है, एडल्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे हैंड फीडिंग मतलब इन लोगों का आदत है, थोड़ा सा देना पड़ता है। इन लोगों के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है, और इन लोगों का हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लॉयो मंका गुड, और मकाऊ कहा गया। हाँ एक्चुअली वो गन्ना मिल गया ना, उनका फिर से आया है। चलो थोड़ा सा तुमको भी, थोड़ा सा मांका तुमको बहुत दिए है। अच्छा यहाँ आ जाओ, चलो हाँ आ जाओ। ठीक है, जो नीचे आएगा उसको मिलेगा, दिखाओ तो। और थोड़ा सा है, चलो नीचे आओ, नीचे 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 नहीं आओगे तो नहीं होगा, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, जल्दी से आ जाओ नीचे। अच्छा ठीक है ले लो, एक्चुअली ये जो गाला का फीमेल है पूरा का पूरा एडल्ट है, इससे पहले एक बार ब्रीड कर चुकी है, लेकिन सेकेंड टाइम मेल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, इसका पैर में बहुत ज़ोर से अटैक किया, खून निकल दिया, इसी के लिए वहाँ से निकल के इसको सेपरेट करके यहाँ रखना पड़ा, और क्या कर सकते हैं। चलो आ जाओ, हो गया तो हो गया। सुबह के टाइम जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना होता है सबको सर्व कर दिया, हैंड फीडिंग दे दिया, लॉरी किड्स को सारे खाना दे दिया। लॉरी किड्स तो ऐसे पेट भर के एप्पल भी खाते हैं, उसी के साथ उन लोगों को लॉरी फूड या नेस्टम के साथ हानी मिक्स करके, और उसी के साथ इंतजार रहा कमेंट्स का कि हाँ मतलब हानी ऐसे शुद्ध हानी पैरट दीपंकर स्टोर में। हाँ ये मांका क्या कर दिया, अरे ये सब लेके कोई दौड़ता है, रुको रुको रुको, नहीं भागना नहीं भागना मांका, अरे ये बाउल में क्या है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं मांग मांग रहा कितना। अरे नहीं इसे ये खराब हो जाएगा। क्या है? ऐसे कोई करता है? क्या करते हो? लगेगा नहीं, नहीं गुस्सा हो रहा है एक्चुअली। ये छुड़ा लिया, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। तो सारे व्यूअर के पास कमेंट का इंतजार रहा, पैरट दीपंकर स्टोर में शुद्ध हानी छोटा छोटा बॉटल बना के रखना चाहिए कि नहीं? आप लोग कहेंगे तो बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा देंगे। अच्छा कंटेनर बना के उसके साथ एक वेट रहेगा 200 ग्राम 500 ग्राम 1 लीटर, कुछ भी आप लोग जैसे सजेस्ट करेंगे उसी हिसाब से अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी जाएंगे अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे, और मतलब बच्चा तो है हम लोगों को पता है क्योंकि किचिर मिचिर आवाज़ आते हैं, इसी के लिए तो ज़्यादा क्वांटिटी का खाना भी देते हैं। पता है कुछ ना कुछ है, लेकिन कितना है क्या है और हैंड फीडिंग में लेने का लायक हुआ कि नहीं वो देखेंगे। अगर हो गया तो हैंड फीडिंग के लिए ले लेंगे, और उसी के लिए संजय हमको हेल्प करेगा क्योंकि अच्छा यहाँ इसको पहले रख दो ना, कहीं मन ख़राब करेगा। संजय कुछ तैयारी करो, कहाँ लेंगे बास्केट बाउल वगैरह। हाँ और एक्चुअली उससे पहले और एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो 2 अफ्रीकन ग्रे का बेबी है ये वाला, ये उन्हीं पेरेंट्स का बच्चा है। मतलब अभी तक पूरा के पूरा सेल फीडिंग नहीं हुआ, अभी भी हैंड फीडिंग देना पड़ता है और खुद का खाना खुद खा पाता है। मतलब 4 साढ़े 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना हो रहा है, लेकिन इन लोगों का पेरेंट्स ने फिर से अंडा ले किया। और वो जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट है वो पैरेट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म का, यानी मेरा लाइफ का सबसे पहला अफ्रीकन ग्रे का पेयर है। और वो तो पिछले 10-12 सालों से मतलब कितना अंडा कितना बच्चा हमको मिला वहाँ से वो मैं काउंट तो नहीं किया। एक अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग पेयर अकेले ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना सारा बर्ड्स कलेक्शन इतना सारा मेंटेनेंस सबके लिए अकेले ही बहुत सारा सपोर्ट किया। और अभी तक देखिए 13-14 मतलब लगातार कॉन्टीन्यूसली साल में 3 बार करके एक पेयर साल में 3 बार करके ब्रीड करते ही जा रहे हैं। और क्या कहूँ, वहाँ छोटा छोटा बेबी है। और फिर से हम लोग आज ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे और बेबी को हैंड फीडिंग के लिए लेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ फ्लैश लाइट ऑन कर लिया, और ऐसे धीरे 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 थोड़ा सा टोका लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे। हाँ यहाँ एक बच्चा तो दिखाई दे रहा है। और देखिए एक्चुअली सर्दी का मौसम में जो क्लाच होता है वहाँ तो सारे बेबीज़ को अच्छे से खिलाता पिलाता है, लेकिन गर्मी का मौसम में ऐसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और उसी के साथ इन लोगों का पेरेंट सही से फीड करा के 2, 3, 4 कितना भी चिक हैच क्यों ना हो सबको पाल नहीं पाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था कि गर्मी का मौसम में जो सारा क्लाच होता है तो वहाँ 1-2 करके बेबी इससे पहले भी एक्सपायर हो चुका था। तो इसी के लिए हाँ इसका भी जो है देखिए कॉप बिल्कुल खाली है, नहीं हैंड फीडिंग में ले लेना सही होगा क्योंकि इस बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। वाओ 2 बेबीज़ नहीं शायद 3 होंगे, हाँ शायद 3 बेबीज़ होंगे। लेकिन इन लोगों को सही से केयरिंग करके पाल पोस के बड़ा करने के लिए यहाँ रखेंगे तो इन लोगों का लाइफ रिस्क हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले गर्मी का मौसम में जितना बार क्लाच हुआ है कुछ ना कुछ दुर्घटना अघटन मेरे साथ घटा है। इससे पहले बहुत बार बहुत सारा वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूँ कि हाँ इससे पहले इस बेबी को हम लोगों को निकल लेना चाहिए था, गलती हो गया देर हो गया इसके लिए बेबी एक्सपायर हो गया। तो इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, आज ही 2 या 3 कुछ भी है 3 बेबीज़ को हैंड फीडिंग के लिए ले लेंगे, वो सही रहेगा। तभी जाके इन लोगों को सही से खिला पिला के बड़ा कर पाएंगे अच्छे हेल्थ के साथ। हाँ ये रहा इन लोगों का मेल। हाँ इतना छोटा बेबीज़ है, पाल पोस के तो बड़ा कर लेंगे सही से, लेकिन इसको बाहर निकलना थोड़ा सा रिस्की मतलब टेंशन हो जाता है, क्योंकि सही से सावधानी से इसको बाहर निकलना पड़ता है कि कोई भी मिस्टेक थोड़ा सा भी हड़बड़ी कुछ भी नहीं चलेगा। एकदम आराम से सावधानी से इन लोगों को ये करना पड़ेगा। और ये पतला हो गया है, जब काटता है ना मतलब दर्द होता है, इसका ऊपर से भी खून निकल आता है। रुको 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 रुको, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। ओए रुको 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 यार, हाँ ये आ गया एक, अभी तक तो ठीक ठाक है, खून निकल गया है शायद, कुछ भी है, मेल भी अंदर आ गया। अच्छा रुको 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 यार, रुको यार, नहीं अंकल जी कोई टॉवल वगैरह लाइए। ग्लास के ऊपर से ही ठीक है। और एक बार फाइनली इससे 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 मोटा ग्लास लेंगे तो निकल नहीं पाएंगे ना, और इन लोगों का भलाई के लिए ये करना पड़ता है। रुको रुको रुको, इस बार पूरा गया शायद। क्या करें, दिखाइए। बाकी दूसरे अफ्रीकन ग्रे तो दूर चला जाता है जब बेबी निकालने के लिए कोई जाता है, लेकिन ये जो ग्रे है, काटो मत यार प्लीज़ प्लीज़। ओए जहाँ काटा था वहाँ फिर से। रुको यार, वाओ ये भी अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन इन लोगों का कॉप देखिए बिल्कुल खाली है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक ही जगह में टारगेट करके वो लोग कैसे काट रहा है यार, डर लगने लगा है अभी। इतना ज़ोर ज़ोर से काटेगा तो कैसे चलेगा, दिखाओ तो। और एक छोटा बेबी है एकदम, बंद करो। ओए यार, अरे ऐसे मत करो यार। नहीं नहीं नहीं, ओह अंकल जी ये बेबी बहुत छोटा है। वाह फाइनली फाइनली। हाँ, और ये जो नेस्ट बॉक्स है ये मेरे लिए बहुत लकी है, इसी के लिए मैं चेंज नहीं करता हूँ, इसको बार बार रिपेयर करता हूँ। मतलब ये लकी है, ये उतना सालों से मेरे पास चलते आ रहे हैं। मतलब इसको कितना बार रिपेयर किया हूँ वो तो पता नहीं, मतलब बार बार रिपेयर करता रहता हूँ कि हाँ ये मेरे लिए लकी है। बहुत कुछ मतलब बहुत सपोर्ट किया है पैरट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म के लिए, बहुत सारा। मतलब साल में तो 8-9 करके बेबी यहाँ से ही मतलब आता है मेरे फार्म के लिए, तो मैं इसी के लिए इसको फिर से एक बार रिपेयरिंग कराएंगे, देखेंगे कब तक चलता है। लेकिन एकदम जब ख़राब हो जाएगा तभी तो चेंज करना ही होगा। और गर्मी का मौसम आ गया, मतलब पसीना पसीना पसीना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब बेबी निकाल के हम लोग लेके जाते हैं उसका पेरेंट के पास से। लेकिन क्या करें, अगर रखेंगे, इससे पहले भी बहुत बार देखे हैं कि एक दो करके तो एक्सपायर हो ही जाते हैं। सर्दी का मौसम में फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी का मौसम में एक्सपायर हो ही जाता है। चलिए हाथ पूरा लाल लाल हो गया। और तो फाइनली हर बार की तरह इस बार भी इनको सही से रखने के लिए जो है उसी का सारे बंदोबस्त कराना होगा। और ये रहा हम लोगों का 3 छोटा बहुत खूबसूरत बेबी। वाह हाँ, एक्चुअली इसका जो आँखें देखिए खोलने का टाइम हो गया है। 1 या 2 दिन के अंदर इसका आँखें खोल जाएगा। लेकिन इस एज में इसका हेल्थ और भी बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए था। एक्चुअली वो तो जायंट कॉन्गो है जो हर एक मतलब क्या कहूँ चीख निकालता है, ह्यूज साइज का। एक्चुअली ये मतलब खाने का डिफिशियंसी के कारण, क्योंकि कॉप देखिए अभी मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। वीडियो बनाते बनाते मतलब एक घंटा डेढ़ घंटा पहले हम लोगों ने खाना दे दिया था इन लोगों का पेरेंट्स को और तो नहीं हो पाया, लेकिन कोई चिंता नहीं। अभी से तो एकदम परफेक्टली हम लोग इन लोगों को हैंड फीडिंग करा के अच्छे हेल्थ के साथ बड़ा कर पाएंगे। और उसी के साथ सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा पैरट दीपंकर स्टोर अभी ऑनलाइन हो गया है। एंड्रॉयड प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ सर्च कीजिए पैरट दीपंकर स्टोर या पैरट दीपंकर लिखने से भी वो ऐप आ जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वैसे ही एप्पल iOS स्टोर में भी जाके आप पैरट दीपंकर स्टोर सर्च करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और हर एक प्रोडक्ट्स मतलब पैरट दीपंकर स्टोर का जो हर एक प्रोडक्ट्स है वहाँ आप डिस्क्रिप्शन फीचर्स के साथ सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप देख के आपका पसंद का हिसाब से, आपका पेट्स का पसंद का हिसाब से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और थ्रू कुरियर आपका घर तक वो डिलीवरी हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी हम लोगों का कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी चालू हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत होता है। ऑनलाइन पेमेंट मतलब वो फ़ोनपे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड वगैरह यूज़ करना उतना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगा, अगले हफ्ते से शायद कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। पैरट दीपंकर स्टोर प्ले स्टोर में जाइए या एप्पल स्टोर में जाइए, जस्ट सर्च कीजिए, मतलब जहाँ से हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं जस्ट सर्च कीजिए पैरट दीपंकर स्टोर। ओके, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो सारा फ्रेंड्स उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, और हनी के बारे में जो बताया था वो प्रोडक्ट एक्चुअली ये तो मतलब पैरट दीपंकर स्टोर अभी फ़िलहाल सारे पेट्स रिलेटेड है, मतलब अभी तो बर्ड्स के लिए है, बहुत ही जल्दी डॉग्स का केजेस, फूड्स, खाना, मेडिसिन सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ ह्यूमन के लिए कोई पार्ट रहना चाहिए कि नहीं, मतलब हम लोगों का लोकेशन तो है सुंदरबन। यहाँ सुंदरबन में यहाँ तो जो कुछ मिलता है फ्रेश जैसे हनी तो अभी तो दिमाग में ही है। तो आप लोगों का राय के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ दीपंकर दा आप हनी ऐड करा दीजिए, तो अलग एक कैटेगरी बनाएंगे जहाँ ह्यूमन्स के लिए अच्छे अच्छे फ्रेश जो होता है वो सब चीज़ भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके प्लीज़ पैरट दीपंकर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।